नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों आज हमारे पास देखिए होम थिएटर है। और दोस्तों मेरे पास एक भाई का जो कमेंट आया था वो ये था कि सर जब हम होम थिएटर का वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो जो हमारा बेस है वो भी कम हो जाता है, मतलब बढ़ाने और घटाने से हमारा बेस का भी कंट्रोल रहता है। लेकिन उनका कहना ये था कि जो हमारी सेटेलाइट होती है, जो छोटे वाला स्पीकर होता है, उसके अंदर हम आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकें और जो हमारा बेस है वो हमारे वॉल्यूम से कनेक्ट ना हो, यानी कि वॉल्यूम से वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और जब हम अपने वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करें तो हमारा बेस कम नहीं होना चाहिए, बेस हमेशा हमारा फुल रहना चाहिए और जो साइड वाला स्पीकर है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकें। तो यहाँ पर देखिए जब मैं इसको फुल करता हूँ तो यहाँ पर देखिए पुश है, मैं इसको प्ले कर देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर देखिए अभी बेस के अंदर भी आवाज आ रही है और हमारी जो सैटेलाइट है उसके अंदर भी आवाज आई है देखिए। और जब मैं देखिए वॉल्यूम को फुल करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब जैसे ही मैंने वॉल्यूम को बंद करा हमारा बेस भी बंद हो गया। लेकिन हम यहाँ क्या चाहते हैं कि हमारा वॉल्यूम बंद करने से हमारा बेस जो है वो कम नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए कर देंगे तो वॉल्यूम को हम कम करें या ज़्यादा करें हमारा बेस कम नहीं होगा। तो देखिए किस तरीके से वायरिंग करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम होम थिएटर को बंद कर देते हैं और फिर इसके कनेक्शन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए तो पैनल तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने इसको बंद कर लिया है और बंद करने के बाद जो है हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बेस का बीच वाला जो पिन है यहाँ पर हम जो रेजिस्टेंस लगाएंगे वो लगाएंगे हम 4K7। तो देखिए 4K7 रेजिस्टेंस जो है आपको दो लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं दो रेजिस्टेंस जो है 4K7 ले लेता हूँ। तो देखिए 4K7 रेजिस्टेंस ले लिया हमने, क्योंकि दोस्तों मेरे पास उन भाई का कमेंट यही था कि सर जब हम अपने बेस को वॉल्यूम को कम करें तो हमारा बेस जो है वो कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले इसको जो है सोल्डिंग कर लेते हैं, दो रेजिस्टेंस को देखिए एक साथ जोड़ दिया। और ये देखिए बेस की जो बीच वाली पिन है उस पर कर दिया हमने इसको सोल्डिंग। ये देखिए तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो बेस का बीच वाला पिन है उस पर यहाँ सोल्डिंग कर दिया रेजिस्टेंस को। अब देखिए यहाँ पर जो कार्ड की वायर होती है, लेफ्ट वाली वायर और राइट वाली वायर, जो हमारी वॉल्यूम की पहली नंबर की पिन पे लगी हुई है दो वायर, वहीं से हमको दो वायर उठा के, ये देखिए दो वायर मैंने उठा ली है यहाँ से। देखिए ये कार्ड की जो लेफ्ट राइट वायर जो होती है, कार्ड की हमारी लेफ्ट राइट वायर जो है वो मैंने यहाँ से पहले नंबर की पिन से उठा ली है। अब देखिए ये वाली जो वायर है ये सीधा हमें इन दोनों रेजिस्टेंस पे कनेक्ट कर देनी है। इससे क्या होगा कि अगर हम अपने वॉल्यूम को भी कम करेंगे तो हमारा बेस जो है वो कम नहीं होगा। और दूसरी तरीके से ये है कि वॉल्यूम से भी काम करता रहेगा हमारा बेस जो है वो, मतलब 50% हमारा वॉल्यूम से काम करेगा और 50% जो है ये डायरेक्ट चलेगा। अब देखिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है कार्ड लगा हुआ है Play by USB drive। अब इसके अंदर देखिए वॉल्यूम बंद है, ये देखिए वॉल्यूम बंद है लेकिन बेस हमारा चल रहा है, ये देखिए। देखिए मैं बेस को जब कम करूंगा तभी कम होगा और नहीं, ये देखिए बेस का वॉल्यूम काम कर रहा है लेकिन हमारा जो वॉल्यूम है वो बंद है, ये देखिए। लेकिन अब बेस हमारा अलग कंट्रोल होगा, वॉल्यूम अलग कंट्रोल होगा, ये देखिए वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। ये देखिए ये वॉल्यूम का हो गया और ये हमारा बेस का हो गया और ये हो गया हमारा इसका सैटेलाइट का, ये देखिए ये सैटेलाइट और ये हमारा बेस। और इस बेस को भी बढ़ा के अगर हम इसको भी कम कर देंगे तो इससे कोई लेना देना नहीं है, अब हमारा बेस अलग है, ट्रेबल अलग है। तो देखा आपने दोस्तों हमने कितने ही आसान तरीके से सिर्फ दो कंपोनेंट लगा के हमने बेस को अलग कर दिया है और अपना जो वॉल्यूम है उसको अलग कर दिया है। अब क्या होगा कि अगर हम वॉल्यूम को भी कम रखेंगे, यानी कि बहुत कम रखेंगे, लेकिन हमारा बेस जो है हम फुल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा।